जब वो बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर आई तो ऐसा लगा कि सरहद पार से ईद का चांद उतर आया है। खूबसूरती के साथ मासूमियत से लबरेज इस लड़की ने आरके बैनर की अपनी पहली हिंदी फिल्म से बॉलीवुड में जोरदार आगाज किया, मगर इसके बाद ये तो गायब ही हो गई, लोग इन्हें भूलने लगे। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अपने चार चार निकाह के चलते वो हमेशा सुर्खियों में छाई रही। बात हो रही है हीना की। जी हाँ, राज कपूर की खुश रंग हीना की, जिनका असली नाम जेबा बख्तियार है। राज कपूर और रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म हीना न केवल जबरदस्त हिट रही, बल्कि इस फिल्म से जेबा को बॉलीवुड में पहचान मिली। पहचान ऐसी कि यहाँ के लोग आज भी इन्हें जेबा नहीं, हीना कहकर पुकारते हैं। जेबा को दोनों देशों से भरपूर प्यार मिला। जानेंगे कि पाकिस्तान के एक अटॉर्नी जनरल की बेटी जेबा किस जिद के चलते फिल्मों में आई। शोमैन ने इतने बड़े बजट के फिल्म के लिए आखिर पड़ोसी मुल्क की लड़की को ही क्यों पसंद किया? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जेबा बख्तियार हीना फिल्म करते वक्त एक बच्चे की माँ भी थी? इनके चार शोहरों में से एक शोहर तो पाकिस्तान से ज्यादा भारत में मशहूर हुए हैं और जेबा से पूरे 9 साल छोटे हैं। आपको शायद पता ना हो कि सलमान खान इस हसीना को देखते ही बहक गए थे और अपनी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वो जेबा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। क्या जेबा ने एक्सेप्ट किया सलमान खान का वो ऑफर? क्या है पूरा मामला और जेबा आजकल कहाँ है, क्या करती हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बन रही हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए जानते हैं जेबा बख्तियार की अब तक की कहानी। जेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ था। जेबा का असली नाम साहिन है। इनके पिता का नाम याहया बख्तियार है, जो पाकिस्तान के क्वेटा से बिलोंग करते थे। याहया बख्तियार पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। आजादी से पहले वो मुस्लिम लीग के एक्टिविस्ट भी थे। इन्होंने पाकिस्तान के संविधान की रचना में काफी अहम भूमिका निभाई थी, जबकि जेबा की माँ ईवा हंगरी की थी। इनके माता पिता की मुलाकात यूके में 1940 के दशक की शुरुआत में हुई थी और पहचान बढ़ने के बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद इस्लाम धर्म कबूल करते हुए इन्होंने अपना नाम ईवा बख्तियार रख लिया। लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1949 में दोनों पाकिस्तान आ बसे। जेबा वहीं पली बढ़ी, बाद में इनका परिवार कराची शिफ्ट हो गया। जेबा के दो भाई हैं, सलीम और करीम, जो डॉक्टर हैं, और एक बहन सायरा है। जेबा ने लाहौर और कतर से अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पेरेंट्स की मर्जी से उनका पहला निकाह 1982 में महज 19 साल की उम्र में कर दिया गया। उनके शौहर का नाम था सलमान वलियानी। उनसे जेबा को एक बेटी हुई, मगर ये शादी चंद दिनों की मेहमान निकली और साल भर के बाद ही दोनों का तलाक हो गया। जेबा की बेटी को उनकी बहन ने अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद जेबा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए म्यूजिक आर्ट कल्चर की तालीम भी हासिल की। उनकी खूबसूरती और बेपनाह रंग रूप को देखकर उनके दोस्त उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह देने लगे और ऐसे ही एक दिन अपने दोस्तों के फोर्स करने के बाद वो जा पहुंची एक स्टूडियो, जहां पहले से ही किसी सीरियल के ऑडिशन लिए जा रहे थे। जेबा ने भी ऑडिशन दिया और उनकी खूबसूरती को देखकर बिना देर किए उन्हें अनारकली नाम के सीरियल के लिए साइन कर लिया गया। लेकिन यहाँ उनके सामने एक दिक्कत खड़ी थी। दरअसल उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि टीवी या फिर फिल्मों में जेबा काम करे। वैसे तो उनका परिवार हाईली एजुकेटेड था और ओपन माइंडेड था, लेकिन ये वो समय था जब रसूखदार घर से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भेजना इज्जत की बात नहीं समझते थे। खुद जेबा की भी कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर घर वालों के सीधा मना करने पर उन्होंने इसका कारण जानना चाहा, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। इस पर जेबा के घर वालों से काफी बहस हुई। उन्होंने अपने अब्बा से खूब आर्गुमेंट किया और आखिर में उनकी बात मान ली गई। सीरियल अनारकली जब पाकिस्तान के टेलीविजन पर आया तो इसने रिकॉर्ड बना दिया। इसमें जेबा के रोमांटिक किरदार और अनारकली के सभी कायल हो गए और वो अनारकली के नाम से घर घर मशहूर हो गई। ये बात 1988 की है। अनारकली का जलवा सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तान तक भी पहुंचा। शोमैन राज कपूर उन दिनों अपनी एक नई फिल्म हीना की तैयारी कर रहे थे। इसमें ऋषि कपूर मेन लीड में थे और उनके अपोजिट दो हीरोइनों में से एक अश्विनी भावे का चयन हो चुका था। दूसरी हीरोइन के रूप में राज कपूर हर बार की तरह इस बार भी एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। तभी हीना फिल्म के राइटर हसीना मोइन ने उन्हें जेबा का नाम सजेस्ट किया। हसीना मोइन खुद एक पाकिस्तानी थी और इन्होंने वहां जेबा के बारे में काफी कुछ सुन और देख रखा था।
जब राज कपूर ने जेबा को नारकली में देखा तो वो भी उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्हें तुरंत अपनी फिल्म में ले लिया। इस तरह जेबा को मिली अपनी पहली फिल्म, वो भी आर के बैनर की। लेकिन इस बीच राज कपूर की मृत्यु हो गई। ये फिल्म जिस कारण सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही है, वो पाकिस्तान से आई जेबा बख्तियारी थी। हीना के सफल होते ही जेबा स्टार बन गई। चकाचौंध भरी इस दुनिया में बने रहने के लिए जहां हीरोइन 40 की उम्र पार होने के बाद भी शादी से परहेज करती हैं, वहीं हीना ने एक बच्ची की मां बनने के बाद अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। यहां आपको बताते हैं फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी। जब जेबा को देखने के बाद सलमान खान ने उन्हें अपना बनाने की जी तोड़ कोशिश की, पर पानी फिर गया। दरअसल जेबा और सलमान दोनों ही मनाली में शूटिंग कर रहे थे। जहां सलमान खान फिल्म सनम बेवफा की शूटिंग में बिजी थे, तो वहीं जेबा अपनी डेब्यू फिल्म हीना की शूटिंग के लिए मनाली आई हुई थी। अपनी शूटिंग खत्म करके सलमान ऋषि कपूर से मिलने हीना के शूटिंग साइट पर चले गए। ऋषि से उनकी अच्छी दोस्ती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेबा बख्तियार से हुई। जेबा के नेचुरल खूबसूरती पर सलमान अपना दिल हार बैठे। वैसे भी सलमान शुरू से ही दिल के मामले में बड़े लक्की रहे हैं। उस वक्त इनके पास स्टारडम तो नहीं था, पर गर्लफ्रेंड की कोई कमी नहीं थी। उनका चार्म ही ऐसा था कि लड़कियां खुद ही खींची चली आती थी, इसलिए सलमान भाईजान उनको खास तवज्जो नहीं दे रहे थे। लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। वो जब भी जेबा के करीब जाने की कोशिश कर रहे तो जेबा उनसे दूर हो जाती। सलमान की बेचैनी बढ़ने लगी तो उन्होंने उसी होटल में अपने लिए कमरा बुक कराया जिसमें जेबा ठहरी हुई थी। इसके बाद सलमान अक्सर जेबा के पास पहुंच जाते और उन्हें अपने साथ कॉफी और डिनर करने की जिद करते, लेकिन जेबा हमेशा मना कर देती। सलमान के चार्म और उनकी गुजारिशों का जेबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। दरअसल उन दिनों सलमान खान संगीता बिजलानी के साथ रिलेशन में थे और संगीता जेबा की दोस्त थी। जेबा को संगीता और सलमान के रिलेशन के बारे में पता था, इसलिए जेबा ने सलमान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब सलमान खान नहीं माने तो जेबा ने अपना होटल ही बदल दिया और इस तरह जेबा से दिल लगी करने की भाईजान की हसरत पूरी नहीं हो सकी। हिंदी सिनेमा में हीना के बाद जेबा को ज्यादा फिल्म नहीं मिली। 1994 में इन्होंने मोहब्बत की आरजू और स्टंटमैन नाम के फिल्मों में काम किया। वहीं 1995 में संजय दत्त के साथ इन्होंने फिल्म जय विक्रांता में काम किया और 1996 में वो सी बोकाडिया की फिल्म मुकदमा में विनोद खन्ना और आदित्य पंचोली के साथ नजर आईं। लेकिन ये सभी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। ये उनकी बॉलीवुड में आखिरी फिल्म साबित हुई थी। बॉलीवुड में जेबा का फिल्मी करियर महज एक हिट फिल्म के बाद सिमट कर रह गया। धीरे धीरे लोग उन्हें भूलने लगे, मगर वो अपनी निजी जिंदगी और शादियों को लेकर हमेशा अपने चाहने वालों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। एक बार अभिनेता जावेद जाफरी से उनके अफेयर की खबरें खूब लाइमलाइट बटोरी। इसके बाद 1989 में जावेद जाफरी से इन्होंने दूसरी शादी रचाई। जब इनके शादी की खबरें सुर्खियों में आई तो जेबा ने इन्हें खारिज करते हुए केवल अफवाह बताया था। हालांकि जावेद ने अपना निकाहनामा पब्लिक कर दिया और फिर एक साल के अंदर ही दोनों के रास्ते अलग हो गए और आपसी सहमति से इन्होंने तलाक ले लिया। जावेद से अलग होने के दो साल के बाद एक बार फिर से जेबा को मशहूर सिंगर अदनान सामी के रूप में अपना नया प्यार मिल गया। जेबा की खूबसूरती के अदनान इस तरह दीवाने हुए कि इन्होंने 1993 में उनसे शादी कर ली। उस समय अदनान की उम्र केवल 22 साल थी, जबकि जेबा अदनान से उम्र में 9 साल बड़ी थी। इस तरह से अदनान सामी के साथ जेबा की ये तीसरी शादी थी। तब अदनान एक जाना पहचाना नाम नहीं हुआ करते थे। यही वजह रही कि शादी से पहले इनके अफेयर की खबरें कभी सामने नहीं आईं। 1995 में दोनों ने पाकिस्तानी म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म सरगम में एक साथ अभिनय किया था। ये जेबा के करियर में दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। दोनों के शादी के एक साल के बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने अजान सामी रखा। हालांकि जेबा की यह तीसरी शादी भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। निकाह के सिर्फ 4 साल के बाद अदनान और जेबा के रास्ते अलग हो गए थे। साल 1997 में दोनों का तलाक हो गया और इसके बाद अपने बेटे की कस्टडी के लिए दोनों ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी और अंत में कस्टडी जेबा को मिल गई। कुछ साल बीते तो इनके बीच का रिश्ता थोड़ा ठीक हो गया। फिर इन्होंने अपने बच्चे की देखरेख साथ में करना शुरू कर दिया। अदनान और जेबा दोनों ही अपने बेटे के बहुत करीब हैं। अब इनका ये बेटा बड़ा हो चुका है। अपने पिता की राह पर चलते हुए 20 साल की उम्र में अपनी बचपन के दोस्त से शादी रचाई है।
अदनान से तलाक के बाद जेबा ने चौथी बार जिंदगी को एक और मौका दिया। साल 2008 में इन्होंने पाकिस्तान के सोहेल खान लेगरी से शादी कर ली। लेकिन ये शादी भी ज्यादा लंबी नहीं चली। कहा जाता है कि जेबा सोहेल से कुछ सालों के बाद ही अलग हो गई थी। जेबा से जुड़ा एक और किस्सा आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्हें उनके फैंस ने उन्हें काफी भला बुरा कहा था। हिंदी फिल्मों के मशहूर विलेन रजा मुराद के साथ एक फोटोशूट को लेकर जेबा को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। दरअसल एक्ट्रेस जेबा को एक रोमांटिक फोटोशूट के लिए एक विलेन चुनने को कहा गया था। इसके लिए इन्होंने रजा मुराद को चुना था। रजा मुराद और जेबा ने फोटोशूट स्टारडस्ट मैगजीन के लिए करवाया था। रजा मुराद और जेबा बख्तियार के इस फोटोशूट से काफी हंगामा मचा। लोगों के दिमाग में सीधी साधी हिना बसती थी, जो इस तस्वीर में बिल्कुल उलट दिखाई दी। नतीजा ये हुआ कि फैंस ने जेबा के साथ साथ रजा मुराद को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी। जेबा ने पाकिस्तान में कई और यादगार क्लासिकल ड्रामा में काम किया, जिनमें मुकद्दस, तानसेन, मुलाकात और पहली सी मोहब्बत के नाम शामिल हैं। 2001 में इन्होंने बाबू नाम के फिल्म को प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट भी किया। उन्हें सरगम फिल्म के लिए 1995 में बेस्ट एक्ट्रेस का निगार अवार्ड दिया गया। वर्तमान में वो लोगों को जागरूक करने के मकसद से डायबिटीज अवेयरनेस कैंपेन में समय समय पर हिस्सा लेते रहती हैं। साथ ही अपने चाहने वालों से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ये है जेबा बख्तियार की अब तक की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना। अगर आप जेबा बख्तियार के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। जय हिंद।